ओम शांति और नमस्कार आई एम डॉक्टर ई वी स्वामीनाथन वेलकमिंग ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स फॉर टुडेज सेशन ऑन मास्टरिंग द माइंड आई एम इंट्रैक्टिंग विद यू फ्रॉम गॉड्स ओन कंट्री कन्नूर केरला इट्स अ ग्रेट प्लेशर टू मीट ऑल ऑफ यू मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे आई स्टार्ट द टुडे सेशन विद अ वेरी वंडरफुल एनेक्डोट It so happened that a young man was enjoying his journey on a hot air balloon. एक युवक एक hot air balloon में यात्रा कर रहे थे and as he was enjoying his journey suddenly he gets lost and his balloon starts wandering here and there. He needed help. और अचानक ये युवक उस हॉट है बलून से देखते एक नीचे एक व्यक्ति चल रहा है उस युवक इस नीचे वाले व्यक्ति को बुलाते हेलो सर कैन यू हेल्प मी ये जो नीचे जो व्यक्ति था वो कहता है यस आई कैन हेल्प यू टेल मी वॉट हेल्प डू यू वॉन्ट ये युवक जो बलून में था वो कहता है सर कैन यू टेल मी वेर आर माई राइट नाउ एंड वॉट इज माई लोकेशन तो ये व्यक्ति जो नीचे खड़ा था वो कहता है यस आई एल टेल यू वेर आर यू राइट नाउ यू आर फीट हैबो द ग्राउंड थर्टी डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इन द हॉट बलून वो युवक इस व्यक्ति का जवाब सुनता है और उनसे पूछता है

you have the courage to criticize the teacher who else you could be other than a student now that's a very wonderful equation between a student and a teacher or ajay what we have seen in the present academic circle both the student as well as we teachers are in a complete state of chaos confusion and we do not know what are we supposed to do in this particular context is what we are going to discuss today How do we master the mind? And that's what we are about to understand in this beautiful journey. My dear friends, it is said life is a question of options. Life is a question of choice. तो मैं आपको दो option बताता हूँ। ये दोनों option आप सोच समझकर सही option को choose करना। पहला option ये है कि आजीवन में इतना problem, इतना संघर्ष, इतनी चुनौतियाँ हैं। ये सब ठीक हो जाएगा, then मैं अपने मन को शांत स्वरूप और स्थिर स्वरूप में लेकर आऊंगा वंस दिस प्रॉब्लम गेट्स देन आई विल ब्रिंग माई माइंड टू अ स्टेट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी दैट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन ये है कि इफ आई ब्रिंग माई माइंड टू अ स्टेट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी देन आई गेट द इनर स्ट्रेंथ टू मैनेज ऑल दिस चैलेंजेस दोस्तों अगर मैं अपने मन को शांत स्वरूप और स्थिर स्वरूप में लेकर आता हूँ तो मेरे अंदर वो शक्ति डेवलप होती है ताकि मैं इन चुनौतियों का सामना कर सकूं और ये दोनों ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सेकंड ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे राइट सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एन हाइपोथेसिस और इस हाइपोथेसिस को हमें एक्सप्लोर करना है एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपीरियंस करना है दोस्तों ये जो थियोरी है इसके प्रति थोड़ा विचार मंथन करना है खोज करना है फिर उसका हम प्रयोग करेंगे और फिर इसका हम अनुभव करेंगे एंड दैट्स वॉट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स वो आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम टू मेक अ स्मॉल चेंज एंड अ स्मॉल चेंज वी शुड ब्रिंग इट टूडे इन द वे वी कम्युनिकेट आज से जब हम अपने बच्चों के साथ अपने विद्यार्थियों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो एक छोटा सा हम परिवर्तन करें और क्या परिवर्तन करना है आज तक हम अपने स्टूडेंट्स को यह डायलॉग बोलते थे कि आई वॉन्ट यू टू बिकम सक्सेसफुल मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में विजय बने सफल बने आज से हमें यह परिवर्तन करना है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू बिकम सक्सेसफुल वी शुड टेल देम माय डियर स्टूडेंट्स माय डियर चिल्ड्रन आई वांट यू टू बिकम पीसफुल स्टेबल एंड हैप्पी और जैसे ही हम ये इनपुट अपने स्टूडेंट्स को देते हैं तो हमारे बच्चे पता क्या करेंगे आज तक वो गूगल में सर्च करते थे हाउ टू बिकम सक्सेसफुल जैसे ही हमारे छोटा सा परिवर्तन देखेंगे वो अपने गूगल में सर्च करेंगे हाउ टू बिकम पीसफुल स्टेबल एंड दे बाय हैपीनेस द कोरोना वायरस दिस ब्यूटिफुल रियालिटी कि आज तक जो हम सफलता के पीछे भाग रहे थे हमें मन में शांति मन में स्थिरता और ये जब आ जाता है तो जीवन अपने आप सुखमय बन जाता है और हम धीरे धीरे सफलता की तरफ चलने लगते हैं और आज अपने मन को मास्टर करने के लिए हम तीन बातें देखेंगे द फर्स्ट वन इज हाउ डू वी मास्टर द माइंड नंबर टू हाउ डू वी मास्टर इमोशंस एंड नंबर थ्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ डू वी मैनेज एंड मास्टर द सेल्फ ये तीनों बातों को आज के हम सेशन में कवर करेंगे पता है दोस्तों पुराने ज़माने में जो शिक्षा प्रणाली होती थी ना वो प्रकृति के बीच में होती थी खुला आसमान है ना धीमी धीमी ठंडी हवा बह रही है नदी के किनारे और जब प्रकृति के बीच में बैठकर कुछ पढ़ाई करते हैं ना तो हम हमारा जो मन है उसको बहुत प्यार से बहुत दिल से उसको स्वीकार करता था तो आज मैं आपको एक छोटा सा संदर्भ बताता हूँ हम टीचर्स के लिए आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपने घर में बंद हैं और हमारे विद्यार्थी जो हैं अपने घर में बंद पड़े हैं एंड वॉट द मेथोडोलॉजी ऑफ पेडोगॉगी दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ टूडे इज एन ऑनलाइन टीचिंग हम साइंस को टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं और ये अपने इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी चुनौतीपूर्ण ये है क्योंकि शायद हमारे विद्यार्थी हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को समझते हैं लेकिन एक ऑनलाइन टीचिंग कैसे करना है उसकी टेक्नोलॉजी आप और हम धीरे धीरे सीख रहे हैं लेकिन ये तो हम धीरे धीरे ये स्किल जो है हम ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे लेकिन चैलेंज पता क्या आ रहा है आज हमको उन दिनों को याद करिए जब हमारे क्लासरूम में साठ बच्चे होते थे और हम वहाँ पे प्रत्यक्ष उनके सामने खड़े होते थे और हम टीचर्स हमेशा स्टाफ रूम में यह डिस्कस करते थे कि बच्चे बिल्कुल एकाग्र नहीं हो रहे हैं उनका मन इधर उधर भटक रहा है नाउ जस्ट इमेजिन द सिचुएशन फॉर टुडे जहां पर हमारे बच्चे जो हैं रूम के अंदर चारों तरफ गैजेट्स है राइट कोई उनको देख नहीं रहा है और ऐसे समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा अपने मन को एकाग्र होकर उस बात को समझना जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय पर हम अपने मन को कैसे मास्टर करें मुझे याद आता है जब मैं स्कूल में पढ़ता था सेवेंथ या एथ स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी इतनी ब्रिलियंट टीचर थी और वाणी इतनी मधुर थी कि कुछ पूछो मत तो टीचर का एक बहुत अच्छा संस्कार था पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी एंड अ फेवरेट वन लाइन सॉन्ग वॉज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज फिर पढ़ाना आरम्भ करती थी फिर वही गीत गाती थी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ मुझे मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता था मैं बैठकर गिनता रहता था कि आज मैडम ने ये गीत कितनी बार गाया एग्जाम नजदीक आ रहे थे मैडम फुल स्पिरिट में थे एक डजन से ज्यादा बार वही गीत गाया तो मैंने खड़े होकर पूछा मैडम कैन यू प्लीज टेल मी वॉट इज कॉन्सेंट्रेशन शी लुक डट मी टेड एट मी स्माइल एट मी एंड सेड स्वामी डोंट टास्कट्रेट ऑन योर स्टडीज कॉन्सेंट्रेशन क्या ये तो बच्चों को सिखाया नहीं एंड वी एक्सपेक्ट आर किड्स टू कॉन्सेंट्रेट मुझे याद आता है उस दिन जब मैं घर में गया तो मैंने अपने पापा से पूछा पापा वॉट इज कॉन्सेंट्रेशन मुझे पापा का चेहरा देखकर समझ में आ गया कि उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस था उन्हें मुझे देखकर कहा कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ध्यान मैंने पूछा पापा ध्यान क्या होता है फोकस ऑन योर studies स्वामी तो मैंने पूछा पापा फोकस कैसे करते हैं uh, एकाग्रता से पढ़ाई करो तो मैंने पूछा पापा एकाग्रता क्या होता है कॉन्ट्रेट ऑन योर स्टडीज तो मैंने पापा से पूछा पापा यही तो मैं पहले पूछ रहा था और आप जो मुझे बता रहे थे ना पापा उसको इंग्लिश में सिनोनि कहते हैं सिमिलर वर्ड्स हिंदी में उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं राइट right? मुझे याद आता है दूसरा दिन जब मैं क्लास में गया तो मेरी वो टीचर ने आकर सबसे पहले मुझे कहा स्वामी ये हाज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन यू आज वॉट इज कॉन्सेंट्रेशन टुडे आई एम गोइंग टू टेल यूर स्टोरी टू एक्सप्लेन वट इज कॉन्सेंट्रेशन तो मैंने आई वॉज वेरी एक्साइटेड मैंने कहा प्लीज बताइए मैडम उन्होंने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई पांडवास और कौरवस के जो गुरु जो थे ना वो गुरु द्रोणाचार्य थे तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को इसी तरह सुंदर प्रकृति के बीच में लेकर आए और एक पेड़ था और पेड़ में एक पंछी थी तो सभी शिष्यों को गुरु जी ने कहा आपका लक्ष्य है उस पंछी के अंक और फिर उन्होंने सबसे पूछा अच्छा बताइए आपको क्या दिख रहा है तो सभी शिष्यों ने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है मुझे उसके ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं मुझे उसके पत्ते दिखाई दे रहे हैं वो पंछी दिखाई दे रही है उसमें सिर्फ एक शिष्य था जिसने बड़े ध्यान से गुरु को कहा कि गुरु मुझे सिर्फ उस पंछी की आँख दिखाई दे रही है और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने उनको कहा यस अर्जुन हैज अंडरस्टूड व्हाट इज कंसंट्रेशन एकाग्रता क्या है और मेरी मैडम ने ये कहानी सुनाकर कहा स्वामी दिस इज वॉट वी मीन बाई कॉन्सेंट्रेशन उस दिन वो क्लास ख़त्म होने के बाद जब मैं इंटरवल हुआ तो मैं क्लासरूम के बाहर आया और वहाँ पर इतने सारे हमारे स्कूल कैंपस में वो पेड़ थे तो मैंने एक पेड़ के सामने खड़े होकर देखा कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है तो मुझे तो पेड़ दिखाई दे रहे थे ब्रांचेस दिखाई दे रहे थे पत्ते दिखाई दे रहे थे मैं उस पेड़ को जा कर जिसमें पंछी बैठी थी तो मुझे पंछी भी दिखाई दे रहा था बाकी सब भी दिखाई दे रहा था तो मैं दौड़ कर आकर स्टाफ रूम में आया और उस मैडम को कहा मैडम कैन यू प्लीज कम आउट फॉर सम टाइम व्हाट इज इट स्वामीनाथन मैंने कहा मैडम एक मिनट के लिए बाहर आइए तुम ना मुझे बहुत परेशान करते हो फिर भी मैडम मेरे साथ आई और मैं वो पेड़ के सामने खड़ा हुआ और मैडम को पूछा कि मैडम आपको क्या दिखाई दे रहा है तो मैडम ने कहा स्वामीनाथन सच क्वेश्चन पेड़ दिखाई दे रहा है तो मैंने कहा तो मैडम मुझे भी वो पेड़ दिख रहा है मुझे भी वो ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं मुझे भी वो लीव्स दिखाई दे रही है लेकिन आपने तो कहा था कि अर्जुन को सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई दे रही है मीन्स मैं तो अर्जुन नहीं बनाना एंड मई मैडम स्टार्टेड थिंकिंग फॉर मिनट एंड सेड स्वामी दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन यू ऑल्सो थिंक अबाउट इट और फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर आपको इसका जवाब मिलता है तो प्लीज़ मेरे पास आकर मुझे इसका जवाब ज़रूर देना उस दिन मैंने एक अच्छे शिक्षक की निशानी क्या होती है मैंने समझा इट इज़ नॉट दैट वी टीचर्स नीड टू नो द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन बट वॉट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आई लर्न फ्रॉम माई वंडरफुल टीचर इज़ वी नीड टू बी हम्बल वी नीड टू बी पोलाइट हमें बहुत नम्रतापूर्वक इस खोज में चलना चाहिए तो अर्जुन ने जब कहा कि मुझे सिर्फ उस पंछी के आँख दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है अर्जुन को उस एकाग्रता का रहस्य मालूम था तो आज ज़रूरी ये है कि आज जो हम और हमारे विद्यार्थी जो साधनों के बीच में फंसे हुए हैं इतने सारे टेक्नोलॉजी के बीच में हैं दिस एंशन नॉलेज एंड दिस एंशन विजडम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उस साल के बर्थडे में मेरे पापा ने मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और गिफ्ट एक बहुत सुंदर किताब थी उस किताब के फ्रंटलाइन पेज में स्वामी विवेकानंद का फ़ोटो था और उसमें लिखा था राजयोग और मेरे पापा ने कहा स्वामी Swami विवेकानंद was known for his power of concentration. और उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद यूज टू प्रैक्टिस अ टेक्निक विच इज़ कॉल्ड एस राजयोग आप ये किताब पढ़िए तो शायद आपको एकाग्रता क्या है समझ में आ जाएगा मैं सातवीं आठवीं में पढ़ता था टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मच ऑफ वॉट इज राजयोग लेकिन आज से 25 साल पहले आई हैड अ चांस टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एट माउंट आबू और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये समझ करके कि ब्रह्मा कुमारी इसकी फैकल्टी ऑल्सो टीचर्स दिस टेक्निक ऑफ राजयोग तो, तो दोस्तों राजयोग दो शब्द से बना हुआ है एक है राज और दूसरा है योग चलिए इस यात्रा में हम बहुत सारे मन और भावनाओं को कैसे मैनेज करें उसके रहस्यों को हम जानेंगे सो फ्रेंड्स मास्टरिंग द माइंड मीन्स अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता को समझते हुए अपने जीवन में उसको अप्लाई करना और कंसंट्रेशन सिर्फ विद्यार्थियों को या शिक्षकों को सिर्फ ज़रूरत नहीं है जीवन के हर क्षेत्र में हमें एकाग्रता यूज़ करना पड़ता है आप अगर गाड़ी चला रहे हैं आप अगर भोजन बना रहे हैं और सफलता के कि किसी आयाम तक पहुंचने के लिए एकाग्रता बहुत बहुत ज़रूरत है और अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को सब कुछ चीज़ सिखाते हैं डाउनलोड सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन टू अवर स्टूडेंट्स बट आई थिंक दिस टेक्निक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑट टू बी टॉट एट अ वेरी वेरी अर्ली एज तो आज कॉन्सेंट्रेशन हम समझेंगे उसके लिए एक बहुत सुंदर जो टेक्नोलॉजी है वो है राज्ययोग और यहां पर हम राजयोग के द्वारा जो समझेंगे इट इज मास्टरिंग आर इमोशंस और इस राज्ययोग में सबसे पहले हमें समझना है कि ये मन क्या है इनफैक्ट वॉट इज माइंड माइंड इज अ बंडल ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस हम जो संकल्प करते हैं और संकल्पों के पीछे जो भावनाएं होती है हमारी इमोशंस जो होते हैं और किसी भी संकल्प में जब वो भावना जुड़ती है दैट बिकम्स एन एवरलास्टिंग काइंड ऑफ ए मेमोरी वो हमारी स्मृति बन जाती है इसलिए आज हम लोग सिर्फ इंटेलिजेंस की बात नहीं करते हैं हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं अर्थात सिर्फ हम बुद्धिशाली नहीं बने लेकिन भावनात्मक स्तर पर बुद्धिशाली कैसे बने और आज के समय चारों तरफ जितना डर है भय है अनिश्चितता है के ऑस ऐसे समय पर शांति प्रेम स्थिरता खुशी आनंद के इमोशंस को समझना और जीवन में अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी है सो माई डियर फ्रेंड्स इन द प्रेजेंट टाइम मोर देन आई क्यू वॉट इज रिक्वायर्ड इज ई क्यू

इट्स अ वेरिएबल फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन अ स्टूडेंट्स इमोशंस अर्थात जब वह विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसके इमोशंस कैसे हैं अगर वो डर गया है भाई में है स्ट्रेस में है तो ऑटोमेटिकली द ई क्यू ड्रिप्स डाउन एंड ऑटोमैटिकली द रिट्राइविंग पावर्स ऑटोमेटिकली कम्स डाउन इसीलिए ई क्यू बहुत बहुत जरूरत है अब हमें समझना है कि हमारे इमोशंस कैसे हैं सो so, ईक्यू के आधार पर तीन प्रकार के इमोशंस होते हैं एक है इमोशनली स्टेबल फर्स्ट कंडीशन दूसरा इमोशनली ओके और तीसरे हैं हम होते हैं इमोशनली सेंसिटिव आई रिपीट वंस अगेन इमोशनली स्टेबल इमोशनली ओके और तीसरा होता है इमोशनली सेंसिटिव तो हम और आप किस लेवल ऑफ़ ई क्यू में है ये समझना बहुत बहुत ईजी है और ये समझने के लिए कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है आप अपना जो फ्रेंड्स ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें आपके दोस्त जो व्हाट्सएप में क्या क्या है ना वो पोस्ट करते हैं और अपने क्या क्या वो मैसेजेस देते हैं उस मैसेजेस को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि हम लोग का ई क्यू कैसा है और हमारे दोस्तों का ई क्यू कैसा है अक्सर हमने एक डेढ़ महीने हम यहाँ बंद थे लॉकडाउन में थे तो हमने देखा होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे कुछ दोस्त होंगे जो हर पल हर क्षण रिएक्ट करते रहेंगे प्रधानमंत्री जी को ऐसा करना चाहिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए था ऐसे कुछ दोस्त हमारे होंगे और जब हम इन दोस्तों के इमोशंस को देखेंगे और हर पल हर क्षण रिएक्टिव जो मोड में होते हैं दे आर एक्चुअली जाए तो दे आर वेरी वेरी इमोशनली सेंसिटिव मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो अमेरिका में रहता है बहुत पढ़ा लिखा है कंप्लीटेड इट इज पी एच डी हर पल हर क्षण रिएक्ट करते रहेंगे प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अमेरिका में है तो न्यूयॉर्क में जैसे जैसे केसेस बढ़ने लगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी उनके पोस्ट में आता था तो एक दिन मैंने बड़े प्यार से उनको पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज भेजा मैंने कहा माय डियर फ्रेंड आप इतने बुद्धिशाली हो तो एक काम करते हैं आई विल अ मीटिंग ऑफ यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्या आप प्रधानमंत्री के साथ आधा घंटा एक घंटा बात करके क्या प्रधानमंत्री को आप बता सकते हैं कि सारे प्रॉब्लम के समय पे प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए राइट विल यू बी एबल टू डू इट तो थोड़ा शांत हो गए नहीं नहीं मैं कैसे बता सकता हूँ मैंने कहा ओके okay, प्रधानमंत्री तो को छोड़ते हैं मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वर्तमान समय पे आप अपने ऑफिस के लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं तो बोला स्वामी नहीं वर्क एट होम चल रहा है लेकिन कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है ऐसे हैं वैसे हैं मैंने कहा ओके ओके क्या आप अपने फैमिली को अपनी वाइफ को संभाल पा रहे हैं तो एकदम शांत हो गए तो मैंने कहा वाइफ को छोड़ो क्या आप अपने दो बच्चों को मैनेज कर पा रहे हैं तो बोला स्वामी आजकल के बच्चे सुनते नहीं है ठीक जगह बैठते नहीं है पढ़ते नहीं है तो मैंने कहा ठीक है माय डियर फ्रेंड बच्चों को भी छोड़ो क्या आप अपने आप को मैनेज कर पा रहे हो क्या आई यू एबल टू मैनेज योर ओन इमोशंस तो वो एकदम गुस्से में आ गया बोला स्वामी वॉट यू मीन बाई मैनेजिंग द सेल्फ तो मैंने कहा डियर फ्रेंड सारे दिन में आपको कितनी बार गुस्सा आता है कितनी बार आपको इरिटेशन होता है और अगर सारे दिन में बार बार गुस्सा आ रहा है इरिटेशन आ रहा है मतलब यू आर एक्चुअली वेरी वेरी इमोशनली सेंसिटिव अंदर जो भरा हुआ इमोशंस है ना वो हमको चारों तरफ हम रिफ्लेक्ट करते हैं इसीलिए राज्योग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम दूसरों को मैनेज करने में अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते हैं लेकिन हमारा सारा फोकस हमारा सारा अटेंशन स्वयं के इमोशंस को कैसे मैनेज करना है वो सीखने पर हमको लगाना चाहिए मैं अपने सभी शिक्षक दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हम किसी क्लासरूम में जाते हैं तो साठ बच्चे हमें देखकर वो सीखते हैं हमने आज तक क्लास में अगर बहुत ज़्यादा चिल्लाया है बहुत अगर गुस्से से बोला है तो हमारे बच्चे हमको देखकर लगता है कि गुस्सा करना इज एक्चुअली वेरी वेरी नॉर्मल ये हमको लगता है आप मैं चाहूंगा क्योंकि हर बच्चा अपने घर पर है आप जब भी अपने विद्यार्थियों के साथ इंट्रैक्ट कर रहे हैं कैन वी इंट्रैक्ट विथ लॉट्स ऑफ पीस लव एंड हैप्पीनेस क्या हम शिक्षक मधुरभाषी बन सकते क्या क्या हमारी वाणी में वो मधुरता आ सकती क्या कैन वी डेवलप दिस सेंस ऑफ एम्पति कैन वी अंडरस्टैंड इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट आज तक हमको लगता था कि हमारे विद्यार्थी हमको सुन नहीं रहे हैं लेकिन आज तो हम उनके घर तक पहुंच पा रहे हैं ना तो क्या उस विद्यार्थी के माता पिता को जो चैलेंजेस हैं क्या हम उसको समझ पा रहे हैं और जब हम दूसरों के इमोशंस को समझने लगते हैं तो एक्चुअली वी बिकम आवर कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी लवफुल आर कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी वेरी एम्पेथेटिक तो अगले चौबीस घंटे तक मैं आप सभी टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि कैन बी बिकम रोल मॉडल्स क्योंकि चिल्ड्रेन सी एंड चिल्ड्रेन डू बच्चे देखते हैं और बच्चे करते हैं और इसके लिए राज्ययोग में स्वयं पर राज करना और स्वयं को समझना कि मैं कौन हूँ एंड दैट इज वॉट वी कम टू द लास्ट एंड फाइनल थिंग इट इज़ फर्स्ट इज मास्टरिंग द माइंड नंबर टू इज मास्टरिंग द इमोशंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राज्ययोग में मास्टरिंग द सेल्फ स्वयं पर कंट्रोल करना स्वयं को मैनेज करना फ्रेंड्स

और मेरे ख्याल से वर्तमान समय पर हमें सेल्फ का डेफिनेशन स्वयं को समझना और स्वयं के लिए महसूस करना बहुत ज़रूरत है सेल्फ का जो फुल फॉर्म है एस ई एल एफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइट फॉर्म अर्थात मैं इस शरीर में ब्रुकुटी के बीच में एक अदृश्य ऊर्जा हूँ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट अ पॉइंट ऑफ एनर्जी कहते हैं एजुकेशन इज नॉट फिलिंग ऑफ द वेसल बट इट्स इग्नाइटिंग द लाइट विद इन बहुत सारे फॉर्मूलाज इक्वेशंस डेरीवेश डेफिनेशन पढ़ना दोस्तों शिक्षा नहीं है लेकिन स्वयं के वो प्रकाश स्वरूप को महसूस करना शिक्षा है और कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सेल्फ अर्थात हमारे अंदर जो दिव्य गुण हैं उस दिव्य गुणों को फील करना और जीवन में अप्लाई करना शिक्षा है अर्थात आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ पीसफुल बींग आई एम अ लवफुल बींग आई एम अ पावरफुल बींग मैं शांत स्वरूप हूँ मुझे बाहर से शांति देने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है मेरा स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है और मेरे अंदर असीम शक्ति है इस शक्ति को फील करना राजयोग है एंड पीपल हु प्रैक्टिस दिस टेक्निक ऑफ़ राजयोग दे आर ऑलवेज स्टेबल दे आर ऑलवेज एबल टू फेस द सिचुएशन मच मोर इफेक्टिवली इससे मुझे लगता है ये टाइम है जहाँ पर हम मेडिटेशन को सीखना बहुत बहुत जरूरी है तो राजयोग में हमको ये समझ में आता है जैसे एक शरीर जो है ना एक मोबाइल की तरह है और हर मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है उसी तरह आत्मा जो है सिम है एस आई एम एस मींस अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं अब आत्मा के तीन सूक्ष्म कर्म इंद्रिया होते हैं राइट एंड दैट इज एम इज माइंड आई इज इंटेलेक्ट एंड एस फॉर संस्कार मन बुद्धि और संस्कार मन जो है संकल्प करने की एक शक्ति है बुद्धि उसका करस्पॉन्डिंग चित्र बनाती है तो एकाग्रता क्या है एकाग्रता ये है जब मन और बुद्धि एक साथ काम करता है वेद द माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्कस टूगेदर इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी से पूछा कि आपको क्या दिखाई देता है तो अर्जुन ने कहा कि मुझे उस पेड़ के उस पंछी की सिर्फ आंख दिखाई देती है इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब हम स्थूल नेत्र से देखते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देता है ये तो स्वाभाविक है इट्स वेरी नेचुरल लेकिन जब अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ उस पंछी के आंख दिखाई देती है इसका मतलब यह है कि उन्होंने स्थूल नेत्र से देखने की बात नहीं की उन्होंने अपने अंतर चक्षु से देखने की बात है मन और बुद्धि से उस पंछी के आंख को देखना जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं थ्रू दिस कैमरा एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू माई गुड फ्रेंड सुमेश कैचिंग मी ऑन दिस कैमरा ठीक है अब वो जो भाई जो बैठे हैं वो मुझे कैमरा से कैच कर रहे हैं तो उनके पास एक फैसिलिटी है उस कैमरा को वो जूम कर सकते हैं और सिर्फ स्वामी पर फोकस कर सकते हैं बाकी चीज सब ब्लर कर सकते हैं दोस्तों अगर एक यंत्र से अगर हम ये कर सकते हैं उसी तरह हम अगर सामने कुछ देख रहे हैं लेकिन देखते हुए हम अपने मन बुद्धि को फोकस अपने लक्ष्य पर कर सकते हैं एंड दैट इज वॉट इज अ सीक्रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्तमान समय में ये हमें अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे जो हैं सारे ऑनलाइन गैजेट्स के साथ बैठे हैं आप उनको फोटो के द्वारा आप उनको पीपीटीज के द्वारा आप उनको इमेजेस के द्वारा दिखा रहे हैं लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चे कुछ समय के बाद इस साधन से डिटैच हो राइट जो आपने फोटो दिखाया क्या हमारे स्टूडेंट्स क्या हमारे बच्चे अपने मन और बुद्धि से उस चित्र को देख पा रहे हैं क्या अगर वो बच्चे कर पा रहे हैं तो हमारे बच्चे भी अर्जुन जैसे महारथी है ना महायोगी बन सकते हैं दे कैन बिकम वेरी स्ट्रांग एंड कैन बिकम वेरी वेरी पावरफुल तो एकाग्रता अर्थात मन और बुद्धि और जब हम एक ही चित्र को बार बार देखते हुए जब हम अपने कर्म में आते हैं दैट इज कॉल्ड एस संस्कार एंड संस्कार इज बेसिकली वॉट इज कॉल्ड एस मेमरी हम अक्सर बच्चों को कहते हैं यू शुड डेवलप अ गुड मेमोरी पावर आज तक हमको लगता था मेमोरी इज रिम्बरिंग फॉर्मुला इक्वेशन बट माय फ्रेंड्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वी नीड टू मेमराइज अवर ओन डिवाइन पॉजिटिव क्वालिटीज हमारे अंदर के जो दिव्य संस्कार हैं शांति प्रेम और शक्ति उसको हम जितनी बार याद कर सकते हैं इसका मतलब है हमारी स्मृति हमारी स्मरण शक्ति बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है और जैसी स्मृति होगी वैसे शक्तिशाली होंगे सो लेट अस समराइज द लेक्चर फो टूडे इट इज फर्स्ट मास्टरिंग द माइंड थ्रू द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मन का काम विचार करना बुद्धि का काम उसका चित्र निर्माण करना दूसरी बात है मास्टरिंग इमोशंस मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो आप प्लीज रिएक्ट नहीं करें लेकिन स्टेबल रहे राइट क्योंकि आप इधर उधर की बातें अगर हम रियक्ट करते रहेंगे मीन्स बी बिकम इमोशनली वीक और इमोशंस को मास्टर करने के लिए Mastering the self. So I am a point of light, very peaceful, very loveful, and very powerful. Yes, samastewe, let us practice this beautiful technique of Raj Yoga meditation. I welcome you to uh, undertake this beautiful internal journey of Raj Yoga meditation. My dear friends, meditation has come from the Latin word mediri, which means to heal yourself. ट्रीटमेंट हमारा शरीर का होता है लेकिन हीलिंग जो ज़रूरत है वो हमारे मन और हमारी भावनाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है आज हम इतने सुंदर प्रकृति के जब नज़दीक बैठते हैं और इस प्रकृति के सानिध्य को जब हम महसूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम हीलिंग प्रोसेस में चलते हैं और यहाँ पर प्रकृति हमसे कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रही है प्रकृति इज इन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ साइलेंस लेकिन द एनर्जी फ्लो इज वेरी वेरी हाई वेरी वेरी प्योर एंड वेरी वेरी पॉजिटिव हम सबको पता है टीचर्स नीड टू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन का मतलब दोस्तों सिर्फ आ, अच्छी भाषा इंग्लिश हिंदी बोलना सिर्फ नहीं है बट जब हम बोलते हैं तो शब्दों के पीछे हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होता है जैसे अगर कोई स्टूडेंट हमसे पूछता है मैडम व्हाट इज माय करियर गोइंग टू बिकम हाउ आर माई गोइंग टू पास द एग्जाम्स तो अगर हम टीचर्स उनके साथ बोलते हैं कि नथिंग टू वरी एवरीथिंग बिकम ओके वो एक सेंटेंस है लेकिन उस सेंटेंस के पीछे हमारा एनर्जी फ्लो क्या है ये तो सिर्फ हम जानते हैं अगर हमें खुद ये डर या भय है कि द होल यू नो फ्यूचर इज वेरी ब्लिक भले हम सेंटेंस पॉजिटिव बोल रहे हैं लेकिन हमारी जो भावना है इस नॉट गोइंग टू हील द स्टूडेंट इसलिए मेडिटेशन इज अ मैकेनिज्म ट विथ आउटसाइड इन वर्ड बट वी आर इन स्टेट ऑफ साइलेंस एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड आर ओन पॉजिटिव डिवाइन वाइब्रेशन एंड इमोशंस और जब हम ये महसूस करने लगते हैं तो हम इमोशनली सेंसिटिव से इमोशनली ओके होकर वी बिकम इमोशनली पावरफुल वेर इन इन अ स्टेट ऑफ साइलेंस वी आर एबल टू एम्पावर द स्टूडेंट हुआ फर्स्ट सो मेडिटेशन इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस इट इज सिट से एंड गेट सेट मतलब एक जगह आप आराम से बैठिए मतलब अपने उस उस को को करिए और फिर जैसे आप उस को करेंगे कॉन्शियसनेस द सुप्रीम ऑल इज एन ओशन ऑफ पीस एन ओशन ऑफ लव इज एन ओशन ऑफ स्ट्रेंथ दैट वॉट इज एग्जैक्टली इज द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन मैं आप सबका इस की सुंदर यात्रा में बहुत दिल से स्वागत करता हूँ